सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अग्रहरी, द स्पीड स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं आप लोगों को इतिहास के बारे में बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में, जानते हैं इसकी जानकारी जो भी है। इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना एक शब्द है। इतिहास हिस्टोरिया से बना एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब आप कह सकते हो हिस्टोरिया शब्द से बना नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। लेकिन यहीं पे अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ब्रिटेन के हैं जिनका नाम है एडवर्ड हेलेट कॉर के अनुसार, उन्होंने जो इतिहास की परिभाषा दी है, उन्होंने जो अपनी इतिहास की परिभाषा दी है वह यह है, हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो आप कह सकते हो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। तो अतीत का मतलब बीते हुए समय के बारे में और वर्तमान के मतलब वर्तमान परिस्थितियों में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं इनके बारे में जो भी हम जानकारियां प्राप्त करते हैं वह एक इतिहास है। तो ये था इतिहास के बारे में। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री इतिहास का जनक कैसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार जिसको भूगोलवेत्ता के रूप में भी माना जाता है। तो यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस जिसको भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, और हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। इनका दूसरा नाम या इनका उपनाम के भी हरिदत्त के नाम से भी जाना जाता है, जो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तो हरिदत्त के नाम से भी हेरोडोटस को जाना जाता है, जो यूनान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। लोगों के मन में विचार आता है कि इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को ही क्यों माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और इन्होंने हिस्टोरिका की जो अपनी पहला विषय बनाया था वह विषय था पेलोपोनेशियन का एक युद्ध। यूनान के दो छोटे छोटे देश एथेंस और स्पार्टा के मध्य 431 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 404 ईसा पूर्व तक लगभग 28 वर्षों तक एक यह युद्ध था, और वह अपने प्रभुत्व को लेकर का यह युद्ध था। और उसी युद्ध के बारे में पेलोपोनेशियन जिसको युद्ध कह सकते हो, लगभग 431 ईसा पूर्व से लेकर के 404 ईसा पूर्व के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध एथेंस और स्पार्टा के मध्य अपने प्रभुत्व को लेकर के यह लड़ाई लड़ी गई थी, और इसी युद्ध को अपना पहला विषय बनाया था हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका नामक पुस्तक से, और इसी वजह से आज इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो ये थे इतिहास के जनक। इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? इतिहास को मुख्यतः इतिहासकारों ने मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को जो कालखंड है वो तीन भागों में बांटे गए हैं। एक आ जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को आप कह सकते हैं तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, मुख्यतः इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब प्रागैतिहासिक काल को जो माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल को आप कह सकते हो ऐतिहासिक काल के पूर्व का समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसकी तमाम सारी जो हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक आधार पर ही प्राप्त होती हैं। तो पुरातात्विक आधार पर जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होते हैं उसको आप कह सकते हो कि प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का टाइम क्या था। प्रागैतिहासिक काल अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मतों के अनुसार इसमें टाइम डिवाइड करते हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि अज्ञात काल से है। अज्ञात काल का आप कह सकते हो मतलब कि इसका कोई भी टाइम का निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ इतिहासकार यहीं पे बताते हैं कि कुछ 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, और कुछ इतिहासकारों का अपना जो मत है वो लगभग 500,000 ईसा पूर्व से इसको माना गया है। तो यहाँ पे जो माना जाता है कि आप कह सकते हो 500,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमने अभी लिखा है बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट।
तो यहाँ पे समय का जो खंड है वो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राचीन, प्राचीन समय में जो समय चलता था आप उसको कह सकते हो कि ईसा पूर्व, और एक होता है ईसवी। तो यहाँ पे आइए हम बताते हैं आपको ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। तो यहाँ पे समय को दो भागों में बांटा गया है, एक है ईसा पूर्व जिसको आज के हम शॉर्टकट में हम बोथ और क्राइस्ट के रूप में बीसी के रूप में भी जानते हैं, और एक होता है ईसवी जिसको आप कह सकते हो एनो डोमिन, शॉर्टकट में ईडी के रूप में माना जाता है। ईसा पूर्व में समय माइनस में चलता था, और ईसवी आज जो हमारे वर्तमान समय में चल रहा है समय वो है प्लस में चलता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय, ईसा मसीह ईसाई धर्म के जन्मदाता हैं, संस्थापक के तौर पे उनको माना जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो भी समय था वो ईसा पूर्व के समय कहलाता है, जिसको आप कह सकते हो बिफोर क्राइस्ट। जैसे आज अगर 2020 है तो इसके पहले का जो समय, अगला नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो 2019 आता था, 18, 17, 16 इस तरीके से जो समय चलता था वो चलता था बिफोर क्राइस्ट के अंतर्गत, ईसा पूर्व के अंतर्गत। आज जो हमारी समय चल रहा है, समय जो आगे बढ़ रहा है, जैसे आज 2020 है तो अगला आने वाला वर्ष 2021-22-23 इस तरीके से जो चलेगा उसको आप कह सकते हो एनो डोमिन, जिसको हिंदी में कहते हैं ईसवी। और ईसवी की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय का ईसवी कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व के रूप में मानते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम बीसी और एडी के रूप में मानते हैं। तो अभी हमने बताया प्रागैतिहासिक काल को जो इतिहासकारों ने अपने अपने मतों में प्रकट किया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रागैतिहासिक काल का टाइम लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, जो ईसा पूर्व जिसको बीसी यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताया गया है, तो ईसा पूर्व से लेकर के 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो प्रागैतिहासिक काल के रूप में माना गया था। अब इसी प्रागैतिहासिक काल को जो हमारे 3 खंडों में बांटा गया है, और सबसे पहले हम जान जाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको पहली बार बताया किसने था। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको सबसे पहले 1820 ईस्वी में जर्गनस थॉमसन ने विश्व प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको जानकारी दी थी। तो आप कह सकते हो कि विश्व प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हमको कोई जानकारी दिया था तो जर्गनस थॉमसन ने हमको ने 1820 ईस्वी में हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको जानकारी दिया था। और अगर यहीं पे अगर पूछा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रिसफुट को माना जाता है। अगर यहाँ पे आप कह सकते हो ये विश्व स्तर के थे। अगर भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक अगर किसी को पूछा जाता है तो आप कह सकते हो रॉबर्ट ब्रिसफुट को माना जाता है, और रॉबर्ट ब्रिसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। और इन्होंने जो हमको भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो हमको जानकारियां दिया था वो उन्होंने 1863 इन्होंने हमको बताया था। और अगर विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो 1820 ईस्वी में जर्गनस थॉमसन ने बताया था। भारतीय स्तर पर अगर पूछा जाता है तो रॉबर्ट ब्रिसफुट ने बताया था हमको 1863 में। लेकिन यहीं पे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक, अगर भारतीय पुरातत्व का जनक अगर पूछा जाता है तो हम रॉबर्ट ब्रिसफुट को नहीं बताएंगे, तो रॉबर्ट ब्रिसफुट जो है वो हमारे भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर पुरातात्विक जनक अगर पूछा जाता है भारतीय पुरातात्विक का जनक, तो भारतीय पुरातात्विक का जनक हम बताते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को, अलेक्जेंडर कनिंगम को बताते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व के जनक आप कह सकते हैं। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंगम, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रिसफुट 1863 में इन्होंने हमको भारत में तमाम सारी जो हमारे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमारे तमाम सारे जो औजार बनाए जाते थे, पत्थरों के औजार बनते थे या कांस्य के औजार बनते थे या हड्डियों के औजार बनते थे या लोहे के औजार जो भी बनाए जाते थे, वो सब के बारे में हमको इन्होंने जानकारी दिया था। प्रागैतिहासिक काल का भी हमने कालखंड बताया, टाइम बताया, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व तक, इसके बारे में जो हमको बताया था वो जर्गनस थॉमसन ने बताया था 1820। और यही जर्गनस थॉमसन ने हमको जो बताया कि प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 खंडों में बांटा गया था। तो जर्गनस थॉमसन के अनुसार जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया था। अब वो 3 खंड, पहला था पाषाण काल, जिसको आप प्रस्तर युग भी कह सकते हैं,
पहला है पाषाण काल, जिसको प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग जिसको आप कह सकते हो पत्थरों का युग। यहाँ पे रहने वाले जो मानव थे वो चाहे औजार जो कुछ भी बनाते थे, औजार बनाना या झोपड़ी बनाना या अपनी जो भी रहने के मकान बनाना, वो सब जो उनका क्रियाकलाप होता था वो पत्थरों के माध्यम से ही हुआ करता था। और यही कारण है कि पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर, और यहाँ पे रहने वाले मानव जो अपने औजार बनाया करते थे वो पत्थरों को ही बनाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, ये कांस्य से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। धीरे धीरे समय जैसे व्यतीत होता गया ये कांस्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गया, और कांस्य के माध्यम से ही इन्होंने अपना औजार बनाने की शुरुआत कर दी। पहले यहाँ पे जो बनाते थे वो पत्थरों के और हड्डियों के ही बनाया करते थे, इसी वजह से इसको प्रस्तर युग कहा जाता था। बीच में जो शुरुआत हो जाता है आप कह सकते हो यहाँ पे कांस्य युग, और तीसरा जो था वो लौह युग। तो आप कह सकते हो कि प्रागैतिहासिक को तीन खंडों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जर्गेनस थॉमसन को जाता है, और इन्होंने 1820 ईस्वी में इन्होंने बताया था। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल को तीन खंडों में बांटा गया है, प्रस्तर युग, कांस्य युग, लौह युग। प्रस्तर युग का दूसरा नाम आप पाषाण काल बोल सकते हो। पाषाण का शाब्दिक अर्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया पत्थर होता है, और यहाँ पे रहने वाले मानव पत्थर के औजार बनाते थे। यहाँ पे रहने वाले मानव जो ऐसे समय व्यतीत होता गया कांस्य के, और यहाँ पे रहने वाले मानव लोहे के औजार बनाया करते थे। अब बात आती है पाषाण युग। पाषाण युग को भी जर्गेनस थॉमसन ने मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। पहला आ जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और यहाँ पे रहने वाले मानव के अलग अलग जैसे सिस्टम बदलता गया, जैसे जैसे डेवलप होता गया समय, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इन लोगों के रहना उठना बैठना तमाम सारी घटनाएं इनसे अलग होती चली। तो आइए हम आपको पाषाण काल के अंतर्गत आपको हम बताते हैं। जर्गेनस थॉमसन के अनुसार पूरा पाषाण काल को आप कह सकते हो कि मुख्यतः तीन खंडों में बांटा गया था। पहला था पूरा पाषाण काल, पाषाण काल को आप कह सकते हो मुख्यतः तीन खंडों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो तीन खंडों में पाषाण काल को आप कह सकते हो जर्गेनस थॉमसन के अनुसार तीन खंडों में बांटा गया था। पूरा पाषाण का मतलब पहले का समय, बीच का समय और आधुनिक बोल सकते हो आधुनिक मॉडर्न पाषाण काल आप कह सकते हैं। पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल का समय था। 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो मध्य पाषाण काल था, और नव पाषाण काल का जो समय था वो लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो नव पाषाण काल के अंतर्गत आ जाता था। यहाँ पे रहने वाले जो मानव रहा करते थे उनका अपना अपना रहना, उनका क्रियाकलाप, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे आग का प्रयोग करना हो, चाहे औजार बनाने हो, सबके अपने अपने तमाम सारे अलग अलग घटनाएं घटित होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये पाषाण काल को आप कह सकते हो तीन खंडों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनकी अपनी टाइमिंग है। अब बात आती है पूरा पाषाण काल। पहला जो टॉपिक पाषाण काल का जो पहला टॉपिक आता है वो आ जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आप पहले का समय था, पाषाण काल का पहले का समय जो काफी अज्ञात समय से भी माना जाता है, जिसका कोई कालखंड आपको पता ही नहीं चलता इसके टाइमिंग के बारे में, लेकिन इसका द इंड का जो टाइम था वो था लगभग 8000 ईसा पूर्व। अब इसके अंतर्गत भी इतिहासकारों ने इसको तीन खंडों में बांटा है। एक आ जाता है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसका जो पहला खंड आ जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका आ जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको भी तीन खंडों में बांटा गया है। लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 50,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो निम्न पूरा पाषाण काल का समय था। मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय था लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो मध्य पूरा पाषाण काल का समय था, और 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आपका आ जाता है
उच्च पुरापाषाण काल, और यहाँ के रहने वाले जो मानव थे उनकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ थी, उनकी कार्यशैली थी, उनके शिकार करने की जो अलग 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 शैलियाँ थी, इन सब के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो ये था पाषाण काल का टाइम। तो पाषाण काल आप कह सकते हो 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल की जो सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे रहने वाले जो मानव थे वो पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड थे। प्रकृति पर डिपेंड का मतलब आप कह सकते हो कि इनके पास खाना बनाने के कोई प्रोग्राम नहीं, व्यवस्था नहीं होते थे। आप कह सकते हो कि इनके पास कोई टेक्निक नहीं थी, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे। उनको ना तो वर्णों का ज्ञान था, ना तो अक्षरों का ज्ञान था, ना तो वो एक दूसरे से बात करना जानते थे। कोई भी इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी आप कह सकते हैं। तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत यहाँ पे रहने वाले मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर ही डिपेंड हुआ करते थे। सबसे पहला इनका जो कार्य था वो था शिकार करना। शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। और शिकार किस तरीके से करते थे, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पुरापाषाण काल के अंतर्गत मानव जो रहा करते थे उनकी शिकार करने की जो शैली थी, उस समूह में शिकार करते थे, झुंड बना करके शिकार करते थे। और शिकार में जैसे जो भी जानवर को मारते थे उसको कच्चा ही खा जाते थे, क्योंकि इसी समय आप कह सकते हो आग की खोज भी हो चुकी थी। आग की खोज लगभग 1 लाख ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन यहाँ के जो मानव थे वो आग से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनको आग की तो खोज हो चुकी थी, क्योंकि जब पत्थर को पत्थर से पत्थरों के औजार हुआ करते थे, और वही औजार को जब फेंक करके जानवर को मारते थे, या उससे जब पत्थर से पत्थर टकराता था, तभी आग की खोज हो चुकी थी। और आग की खोज जो हुआ था वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व हुआ था। अब यहाँ पे तो आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के रहने वाले मानव आग के प्रयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनको नहीं पता था कि मुझे आग का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए। तो ये थे यहाँ के मानव। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, आप कह सकते हो कि यहाँ पे समूह बनाकर के शिकार करना, आग की खोज हुआ, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल का अंत होते होते आप कह सकते हो होमो सेपियंस का जन्म होता है। होमो सेपियंस को आप कह सकते हैं आधुनिक चिंतनशील मानव। आधुनिक चिंतनशील जो मानव है आज के रूप में भी माना जाता है। अगर आज पूछा जाता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमो सेपियंस ही बताया जाता है। अब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने मानव के जो खंड है उनको 3 भागों में बांटा है। आप कह सकते हो मानव के जो प्रकार है उनको 3 भागों में बांटा गया है। होमो सेपियंस यहाँ पे जो इसका दाइन होता है 8000 ईसा पूर्व के आते आते यहाँ पे आधुनिक चिंतनशील मानव का उदय हो चुका होता है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं मानव के कितने खंड में बांटे गए थे। मानव को आप होमो कह सकते हो, होमो सेपियंस, और यही पे अंत होते होते पूरा पाषाण का जो शुरू हो जाता है होमो सेपियंस की शुरुआत हो जाती है। होमो का शाब्दिक अर्थ होता है मानव। मानव के यहाँ पे 3 प्रकार थे। पहला था होमो हैबिलिस, पहला प्रकार जो था। दूसरा प्रकार जो था होमो इरेक्टस, और तीसरा जो प्रकार था आप कह सकते हैं होमो सेपियंस। तो मानव की मुख्यतः 3 कैटेगरी थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। और ये तीनों प्रकार के मानव की जो अपनी कार्यशैली थी वो अलग अलग प्रकार के थे। अब कैसे तो होमो जो हैबिलिस थे, ये ऐसे मानव थे जो औजार बनाने वाले मानव कहा जाता है। और ये औजार बनाने वाले मानव की जो शुरुआत हुई थी पुरापाषाण के अंतर्गत, आप कह सकते हो निम्न पुरापाषाण के अंतर्गत ही शुरू हो चुका था। और यहाँ पे जो रहने वाले मानव थे होमो हैबिलिस, जिसको आप कह सकते हो औजार बनाने वाले मानव, और ये जो औजार बनाने वाले मानव थे ये अपनी जो औजार बनाया करते थे वो पत्थरों के ही बनाया करते थे, क्योंकि ये पूरा पाषाण का ही मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पे जो रहने वाले होमो हैबिलिस थे उनको आप कह सकते हो कि पत्थरों के औजार, हड्डियों के औजार बना करके वो शिकार किया करते थे। और जो शिकार भी किया करते थे वो झुंड में, एक प्रकार से आप कह सकते हो समूह में शिकार किया करते थे, और वही शिकार करके ही जीवन यापन करना इनकी शैली थी। अगला टाइप आता है इनको आप कह सकते हो औजार बनाने वाले मानव, होमो इरेक्टस। दूसरा जनरेशन आगे बढ़ता गया, इनकी जो बोल सकते हो कि थोड़ा आधुनिक समय में आते गए, तो होमो इरेक्टस की शुरुआत हो जाती है। और होमो इरेक्टस होते हैं आप कह सकते हैं इनको सीधे खड़े होकर के चलने वाले मानव। तो होमो इरेक्टस एक ऐसे मानव थे जो सीधे खड़े होकर के चलने वाले मानव थे। मानव के जो पहले के प्रकार थे, मानव की जो खोज हुई थी, माना जाता है मानव की जो अस्तित्व प्राप्त होते हैं वो लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व की शुरुआत हो जाती है। 2.5 लाख ईसा पूर्व से हमारे मानव के बारे में पता चलता है इतिहासकारों के अनुसार।
तो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर के चलने वाले मानव, सीधे खड़े होकर के चलने वाले मानव जो थे आप कह सकते हो कि पहले जो मानव हुआ करते थे वो पेड़ पौधे पे ही रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। टहनियों के माध्यम से एक दूसरे के पकड़ करके वो चलना शुरू किए, स्टैंड होना शुरू किए, पेड़ों से उतर करके वो जमीन में चलना शुरू किए। जैसे जैसे धीरे धीरे चलना शुरू किए वो स्टैंड होना शुरू हुए और यहीं पर शुरू हो जाता है वो होमो इरेक्टस कहलाते हैं। तो सीधे खड़े होकर के चलने वाले मानव, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उच्च पुरापाषाण काल का टाइम स्टार्ट हो जाता है जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आप कह सकते हो उच्च पुरापाषाण काल। और उच्च पुरापाषाण काल के अंत में ही यहाँ पे होमो सेपियंस का उदय होता है। होमो सेपियंस को आप शाब्दिक अर्थ कह सकते हो कि आधुनिक चिंतनशील मानव जो अपने भविष्य के बारे में चिंतन करता है। यहाँ पे रहने वाले मानव यह जो भी थे इनको अपने भविष्य की चिंता नहीं होती थी, हमको क्या खाना है, क्या करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, कुछ भी नहीं इनको पता था। यहाँ पे ना तो लिपियों का ज्ञान था, ना तो अक्षरों का ज्ञान था, कुछ भी आइडिया नहीं हुआ करता था इनको। होमो सेपियंस का उदय होता है तो इनको आधुनिक चिंतनशील मानव के रूप में भी माना जाता है। जब ये आधुनिक चिंतनशील मानव का उदय हुआ आप कह सकते हो उच्च पुरापाषाण काल के अंत होते होते यहाँ पे मानव होमो सेपियंस का जब जन्म होता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो मानव थे पहले तो इनको ना तो अक्षरों का ज्ञान था, ना तो वर्णों का ज्ञान था, ना तो लिपियों का ज्ञान था, इनको कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं हुआ करता था, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। लेकिन जब होमो सेपियंस का उदय हुआ तो ये चित्रात्मक शैली का प्रयोग करने लगे। चित्रात्मक शैली का जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है वो एमपी के भीम बेटका नामक एक गुफाओं में चित्रण का उदाहरण प्राप्त होता है। और ये अपनी जो क्रियाकलाप थे या जो भी काम करते हैं आज भी हमको जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो हमको गुफाओं में चित्रात्मक शैली के आधार पर प्राप्त होती हैं। चाहे शिकार करना हो, आग जलाना हो, या जो भी क्रियाकलाप करते थे वो जो कुछ भी आज हमको पता चलता है वो हमको लिखा पढ़ा नहीं है, क्योंकि ना तो इनको अक्षरों का ज्ञान था, ना तो वर्णों का ज्ञान था, ना तो लिपियों का ज्ञान था, ना तो ये ठीक से बोल पाते थे, कुछ भी इनको आइडिया नहीं था। आज हमको जो भी पता चलता है पाषाण काल के बारे में वो हमको चित्रात्मक शैली के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। तो ये थे पुरापाषाण काल के जानकारी। आइए हम आपको मध्यपाषाण काल के बारे में बताते हैं। मध्यपाषाण काल के अंतर्गत अब मध्यपाषाण काल के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। मध्यपाषाण काल के बारे में अब यहाँ पे रहने वाले मानव की जो शिकार करना वो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही डिपेंड हुआ करते थे। अब यहाँ पे इनकी नई तरीके से शुरुआत होती है। तो मध्यपाषाण काल का जो समय था वो लगभग 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक का समय था। 8,000 से 4,000 के बीच में जो मानव की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे अब चिंतनशील मानव आ गए थे जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है। अब ये होमो सेपियंस जो थे ये अपनी जीवन की जो शैली थी, इनके जीवन जीने की जो तरीका था वो अब क्या था कि सामग्री एकत्र करके, खाद्य सामग्रियों को एकत्र करके जीवन जीने की शुरुआत कर देते हैं, पशुपालन की शुरुआत कर देते हैं, पशुओं को पालना शुरू कर देते थे। अभी तक ये पशुओं को केवल शिकार करना ही जानते थे, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि कृषि की शुरुआत हो जाती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पशुओं को पालने की शुरुआत हो जाती है, मछली मारने लगते हैं, मछली मार करके खा करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ पे अस्थाई निवास की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो जीवन जीना था वो खाद्य सामग्रियों को एकत्र करके, अभी तक इनके पास खाद्य सामग्रियों को एकत्र करने का कोई भी व्यवस्था नहीं होता था, वो पर डे बोल सकते हो शिकार करके खा करके अपना जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन यहाँ पे मध्यपाषाण काल के बारे में ये अपने भविष्य के बारे में चिंतन करने लगे कि कल मुझे मिलेगा खाने को कि नहीं मिलेगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे ये अपनी खाद्य सामग्रियों को एकत्र करके जीवन का निर्वाह करने की शुरुआत कर देते हैं। और यहीं पे जो बोल सकते हो कि एक अस्थाई निवास की भी शुरुआत कर देते हैं। पहले क्या थे, ये जंगलों में भटकते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहा करते थे, इनका कोई पर्टिकुलर कोई स्पेस नहीं हुआ करता था कि मुझे यहीं पे रहना है, यहीं पे कार्य करना है, ऐसा कुछ नहीं था। पहले घूमते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसके अंत तक चिंतनशील मानव की शुरुआत हो जाती है होमो सेपियंस की। और यहीं पे ये अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। और जब यहाँ पे अस्थाई निवास के बारे में शुरुआत कर देते हैं, अस्थाई निवास का मतलब पर्टिकुलर एक स्थान पर रहना और वहीं पे जीवन का निर्वाह करना। तो जैसे आज के मानव यहाँ पे एक ही स्थान पर रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं, इस तरीके से जीवन की शुरुआत। और यहाँ पे जो फैमिली थी वो परिवार के साथ रहना, अस्थाई निवास करना, भोजन की व्यवस्था करना, कृषि करना, पशुपालन करना, तमाम सारे ऐसे क्रियाकलाप हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो थे अस्थाई निवास की जब शुरुआत हो जाती है
तो यहाँ पे अस्थाई निवास के साथ साथ जब यहाँ पे अस्थाई निवास की शुरुआत होती है तो उसी के बाद यहाँ पे लड़ाई की शुरुआत, लड़ाई झगड़े की शुरुआत, युद्ध की शुरुआत, आक्रमण की शुरुआत, क्योंकि इनको अपनी भविष्य की चिंता होती थी। मेरे पास अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे रहने वाले मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मानो आक्रमण की शुरुआत कर देते हैं, युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि जब कोई मैं एक ही स्थान पे पर्टिकुलर एक ही स्थान पे रह रहा है कोई, अगर वहां पे कोई बाहरी व्यक्ति आता है वहां पे रहने के लिए, तो आप उन दोनों के बीच में लड़ाई करोगे। तो इसी सब को लेकर के यहाँ पे आक्रमण की शुरुआत, युद्ध की शुरुआत, आप कह सकते हो कि मछली मारना, और यहाँ पे नए नए तरीके से छोटे छोटे हथियार, आधुनिक हथियार बनाना, क्योंकि जो पहले हथियार हुआ करते थे वो बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे, तो उन सब पत्थरों के हथियार हुआ करते थे। लेकिन जब समय व्यतीत होता गया, ये छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए, धनुष बनाना शुरू कर दिए, कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिए, तो तमाम ऐसे चीज़ों के हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि मध्य पाषाण काल, ये थे उनकी विशेषताएं। अब आगे आता है नवपाषाण काल, पाषाण काल आता है नवपाषाण काल। तो पाषाण काल का पहला पार्ट पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आप कर सकते हो पाषाण काल का तीसरा कालखंड। नवपाषाण काल के अंतर्गत यहाँ के रहने वाले मानव और आधुनिक हो जाते हैं। यहाँ पे जो मानव थे, आप कह सकते हो कि इनका जो कार्य था वो भी कृषि कार्य था, पशुपालन था, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ के मानव अस्थाई रूप से घर बनाना भी शुरू कर दिए थे, घरों का निर्माण करना, मिट्टियों के घरों का निर्माण करना, ईंट पत्थरों के मकान बनाना, और ये जो मकान बना करके रहते थे वो गड्ढे रूपी मकान बना करके रहते थे, अपनी सुरक्षा व्यवस्था देकर के ये क्रियाकलाप करते थे। अपनी सुरक्षा को लेकर के जो विदेशियों का या बाहरी लोगों का जो इनके ऊपर अटैक हुआ करता था, पड़ोसियों के जो अटैक हुआ करते थे, उससे सबसे सुरक्षा को लेकर के ये गड्ढे रूपी घर बनाने की शुरुआत कर देते हैं। और यहीं पर माना जाता है मृद भांडों की शुरुआत हो जाती है। मृद भांडों का शाब्दिक आप अर्थ कह सकते हो कि मिट्टियों के बर्तन, मिट्टियों के बर्तन की आप कह सकते हो कि अभी तक ये जो किया करते थे वो शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ करके मार करके खाया करते थे, आग की खोज भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन यहाँ पे अब बर्तनों के माध्यम से भोजन पका करके खाने की शुरुआत हो चुकी होती है। तो यहाँ पे मृदभांडों की, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत हो जाती है। और यहीं पर इतिहासकारों का मानना है कि पहली बार कुंभकारों, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी जो पहली बार जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो यहीं से प्राप्त होता है नवपाषाण काल के अंतर्गत। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत मिट्टियों का पहला उदाहरण भी हमको प्राप्त होता है, यहीं पे कुंभकारों का भी हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पे मानव घर बना करके रहने लगे थे। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे नवपाषाण काल के अंतर्गत जो यहाँ पे लोग रहा करते थे, उस सबसे ज्यादा इनकी जो पालतू पशु थे, सबसे ज्यादा कौन से पालतू पशु को पालते थे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कुत्ते को पाला जाता था। कुत्ता इनका एक बोल सकते हो कि विश्वास पात्र आप एक जानवर था, आप कह सकते हो कि यहाँ पे लोग उसको पाला करते थे। और जब उसको पाला करते थे, जब किसी भी कुत्ते के मालिक का जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसी कुत्ते को उसी के साथ उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। तो तमाम ऐसे क्रियाएं थे, आप कह सकते हो यहाँ पे नवपाषाण काल के अंतर्गत ग्राम समुदाय का भी विकास हुआ। छोटे छोटे गांव बना करके एक कम्युनिटी, एक समुदाय बना करके यहाँ पे लोग रहते थे, एक झुंड में अगल बगल मकान बना करके इस प्रकार से यहाँ पे लोग रहा करते थे। तो ये थे नवपाषाण काल की विशेषताएं। तो आज हमने आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बताया, हमने जो भी था इसके बारे में, जो भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्जाम में लगभग कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो ये सब हमने आप लोगों को बताया। तो पाषाण काल आपका यहीं समाप्त होता है, और इतिहास की हमने आपको जानकारी भी दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।